हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि हम एक सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रोड मैप प्रॉब्लम्स दूंगा, जिसमें अननोन्स होंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सॉल्व करते हुए वो अननोन्स पता करने होंगे, और हम उसका फिर 24 आवर्स का टाइम होगा, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और फिर उन क्वेश्चंस का सलूशन आपको मैं यहाँ इस प्रकार यूट्यूब पर सलूशन बनाकर आपको दूंगा। तो जो क्वेश्चन हमने कल आपको शेयर किया था, ये क्वेश्चन हमने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पर, और इसकी आईडी मैं यहाँ लिख देता हूँ @skm_skm121। ओके, तो कल का ऑर्गेनिक का रोड मैप क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शेयर किया था आपसे। आई होप आपने क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट किया होगा और अब हम उसी क्वेश्चन का सलूशन यहाँ करने जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में मैं प्रयास करूँगा कि रोज मैं एक रोड मैप क्वेश्चंस विद सर्टेन नंबर ऑफ अननोन्स रखूँ, जिससे आप जो क्वेश्चन ऑर्गेनिक के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेगा उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें और अच्छी प्रैक्टिस करें, जिससे आपका मेंस 2021 और एडवांस 2021 की तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं हूं आपका सुरेंद्र कुमार मिश्रा, SKM सर। आई एम co-founder डायरेक्टर न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा, और हम स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन का सलूशन जो क्वेश्चन आप इस टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको कल मिला था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन है मेरे पास, तो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा, थंबनेल में मैं क्वेश्चन ही लगा दूंगा। अभी मैं एक एक स्टेप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, सो लेट्स स्टार्ट इट। आ जाए सारे लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहला है पी का फॉर्मेशन, तो मैं इसका सोल्यूशन जो करूंगा वो एक एक स्टेप आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ पी, पहला अननोन है पी, फॉर्मेशन ऑफ पी। क्वेश्चन आपको पता है तो उसमें देखें, पहला है पी, तो जरा ध्यान से सुने। जब भी आप साइक्लोहेक्सीन पर हेलोजन डालते हैं एट हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां डेल्टा भी हो सकता है, तो याद रखें इस रिएक्शन में एडिशन नहीं होता, इस रिएक्शन में एडिशन नहीं होता X2 का, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एलाइलिक पोजीशन पर फ्री रेडिकल से Cl सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो इट्स ए क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसा आपने देखा NBS NCS करता है, तो उस तरीके से आपको ये मिलेगा। अब यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह रूम टेम्परेचर लिखा होता, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता, तो फिर Cl2 इस डबल बॉन्ड पर एड हुआ होता, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता। लेकिन यहां पर आप देखें हाई टेम्परेचर पर ये एलाइलिक पोजिशन पर हेलोजन सब्स्टिट्यूट होता है, तो भाई बधाई हो आपको पी मिल चुका है। तो पहला अननोन था आपका पी का फॉर्मेशन। अब है पी से क्यू अगर हम चलते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड जो चीज है वो है फॉर्मेशन ऑफ पी टू क्यू, यहां पर कर सकते हैं। ये है हमारा ए स्टेप, और अब हम बात करेंगे बी स्टेप की। ठीक है, ध्यान से देखें बी स्टेप में क्या है, सारे लोग ध्यान से देखिए। बी स्टेप में पी पर HCl डाला गया है, सारे लोग देखिए, ये ऐसा, ये Cl, और इस पर डाला गया है HCl। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत खूबसूरत रिएक्शन है, और यहां पर आपको Cl इस तरीके से मिलेगा, आप देख सकते हैं, प्लस इसकी मिरर इमेज भी यहां पर, ये Cl और ये विसिनल, ट्रांस विसिनल डाइक्लोराइड, ये मिलेगा, ये इसका आंसर है। आमतौर पर यहां पर कई लोग कुछ गड़बड़ी कर जाते हैं मेरे भाई, इसके सोल्यूशन में समझिए, जब ये इसमें HCl ऐड होता है तो एक्चुअली बॉन्ड ऐसे घूमती है, और ये वाली साइट H+ लेती है, और इस वजह से आप देखें आपको यहां मिलता है एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये Cl अपना लोन पेयर पार्टिसिपेट करवा देता है बने हुए बीच वाले केटायन पर। एक्चुअली वो बन नहीं पाता, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, पोलराइजेशन ऑफ दिस एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू H+ एंड सेम टाइम पर Cl का पार्टिसिपेशन।
तो ये जो आपका कार्बोकेटायन है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये एनसीसी इसे बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये आपका क्या करता है सीएल माइनस इस नॉन क्लासिकल केटायन को अपोजिट साइड, अगर ये सीएल का जो थ्री मेंबर सेगमेंट है अप है तो ये डाउन से ओपन करेगा, डाउन है तो अप से ओपन करेगा, अल्टीमेटली ये दो आंसर आएंगे एंड ये आपका क्यू है, ये वाला सेगमेंट क्यू है, आप जरा ध्यान से देखें क्यू है। क्यू के बाद आगे बढ़ते हैं आर, मेरे ख्याल से अगर आप थर्ड वाला सेगमेंट देखते हैं सी वाला तो ये है एनएआई एसीटोन, तो मेरे भाई सारे लोग ध्यान से देखिए, मैं क्यू ले लेता हूं यहां पर, सो क्यू इज सीएल सीएल एंड साथ में क्या है मिरर इमेज और इस पर डाला गया है एनएआई एसीटोन। ये रिएक्शन आपको SN2 के फिंकलस्टीन से कंफ्यूज कर सकती है लेकिन विसनल डायहैलाइड है, विसनल डायहैलाइड देन इट्स अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन E2, ये E2 का एग्जांपल है और ये आप जानते हैं डी हेलोजिनेशन बोलते हैं इसे, डी हेलोजिनेशन, सीएल सीएल जो एंटी है वो निकल जाएगा और आपको फिर से मिलेगा साइक्लोहेक्सीन, चाहे आप इस कंपाउंड से करें चाहे मिरर इमेज से करें आंसर सेम आएगा, तो आपको पता चल गया कि ये आपने अननोन बना लिया है आर। ओके सो दिस इज योर आर, चलिए अब आर पर डाला गया है एमसीपीवीए, मैं डी वाली रिएक्शन लेता हूं। क्या आपको एक रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है आपने सुनी होगी पेरिसिलिव रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में ये यूज हुआ था। एमसीपीवीए क्या होता है मेटा पर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड और ये इस डबल बॉन्ड को क्या कर देता है ऑक्सीडाइज इनटू इपॉक्साइड, इनटू इपॉक्साइड पर एसिड का वो जो एडिशनल ऑक्सीजन होता है वो इस ऑक्सीडेशन में पार्ट लेता है और ये देखिए देखते ही देखते आपको मिल चुका है एस, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, सारे लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एस से क्या बनाने को बोला गया है आपको टी बनाने को बोला गया है, तो चलिए अगले पार्ट पर बात करते हैं। ओके एस पर डाला गया पीसीएल फाइव, मेरे भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हम इस सेगमेंट पर एक किसी और दिन इस इपॉक्साइड पर पीसीएल फाइव की पूरी मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, बहुत मजेदार सेगमेंट है क्योंकि यहां पर आपको जो मिलने वाला है मैं कार्बन थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं जगह के हिसाब से, फिर से मिलेगा ट्रांसविशनल डायक्लोराइड, ये मजेदार सेगमेंट है और साथ में होगा इसका मिरर इमेज ट्रांसविशनल डायक्लोराइड एंड नाउ चेक इट, ये है आपका टी, ये है आपका टी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसकी मैकेनिज्म जरूर जानना चाहेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग सेगमेंट में ही पूरी मैकेनिज्म शेयर करूंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं टी तक हम आ गए हैं और अगला जो है एफ पार्ट जिसमें टी से बना है यू, तो सारे लोग देखें टी है हमारा ये सीएल और ये सीएल, साथ में है मिरर इमेज और इस पे डाला गया है एल्कोहलिक KOH और वो भी कैसा है मेरे भाई एक्सेस। मैं आपको याद दिलाता हूं ये E2 का एप्लीकेशन है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये क्या है मेरे भाई डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है मेरे भाई, एंटी एलिमिनेशन होता है, ये सीएल अप है तो एच किधर चाहिए होगा बाजू में डाउन, इधर डाउन में एच नहीं है, इधर है एच तो इधर का एच इधर का सीएल डबल, ये डाउन सीएल है तो इसे अप का एच चाहिए, इधर है अप का एच सीएल डबल डबल बधाई हो, इधर भी डबल इधर भी डबल और आप देखिए कहां तक आ चुके हैं यू, यू तक का सफर तय कर लिया आपने, ये यू है देख लो भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं हो, यू मिल चुका है। अब यू के बाद हम अगले स्टेप पर चलें तो वी के फॉर्मेशन के लिए आपने क्या किया है आपने यू की ओजोनोलिसिस कर दी है, ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बहुत मजेदार स्टेप है क्योंकि आपको यहां बोला गया है वी मिला है और यहां मिलेंगे दो कंपाउंड, इसका इसका जब आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो एक तो मिलेगा ब्यूटेन डाइल और एक मिलेगा आपको इथेन डाइल, मुद्दा यह है कि इनमें से कोई एक वी है, इनमें से कोई एक वी है तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि वी कौन सा है, तो उसके लिए आगे के स्टेप को देखो जो वी से डब्ल्यू जा रहा है मेरे भाई वहां लिखा है एच प्लस डेल्टा,
वहां लिखा है एच प्लस डेल्टा। आप सोचो जरा, इस कंपाउंड पर एच प्लस डेल्टा से कुछ मिलेगा या इस कंपाउंड पर एच प्लस डेल्टा से कुछ मिलेगा? मेरे भाई बुद्धि का करो प्रयोग और आप देखोगे इस पर एच प्लस डेल्टा से कुछ नहीं मिलेगा। ये ग्लाइऑक्सल है, यहां पार्सल प्लस भयंकर इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे एच प्लस और डाल के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई हेंस प्रूव्ड ड्यू टू हैविंग टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन विद एच प्लस वी आर गेटिंग इट एज अ वी। अब आप कहोगे ये कौन सी रिएक्शन करेगा? सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, जरा ध्यान से देखिए। ये एच प्लस डेल्टा, इससे खूबसूरत रिएक्शन आपने सुनी नहीं होगी, ये रिएक्शन है एल्डोल इन एसिडिक कंडीशन। एल्डोल इन एसिडिक कंडीशन, एल्डोल इन एसिड्स भी लिख सकते हैं। ये खूबसूरत क्वेश्चन। और इसमें क्या होता है, एक प्रोटोनेटेड कीटोन, एक का इनॉल। मेरे भाई ये आपको मिलेगा जवाब, बधाई हो, जवाब आया है। ये देखिए, ये एसिडिक एल्डोल है, एसिडिक एल्डोल, और ये है आपका डब्लू, ये है आपका डब्लू। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, एच प्लस में ये प्रोटोनेटेड रहेगा और ये वाला इनॉल बन जाएगा। सारे लोग देखिए, एंड ये इस पे अटैक करेगा, ये इस तरीके से। इस प्रोसेस को थोड़ा आप और समझिएगा तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, ये OH, ये H प्लस। आपको क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है, एंड आफ्टर डिहाइड्रेशन यू वुड सर्टेनली गेट इट। ये देखें आप, आंसर मिल गया आपको, ये W आ गया, बधाई हो। और अब आप हैं एकदम करीब अपने फाइनल अननोन को पता कर पाने में, X। आप X को पता करना चाहते हैं, हियर इज X। आइए, ये है लास्ट स्टेप। क्या आपको पता है ये फ्यूरन है, W इज फ्यूरन विच इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, एंड पांच की रिंग एरोमेटिक कंपाउंड जो होती है उसमें आपने कराना है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन एनहाइड्रस AlCl3, वो भी शायद दो इक्विवेलेंट है। मेरे भाई आपको याद है ये अल्फा बीटा पोजीशन होती है पांच की एरोमेटिक रिंग की, चाहे पायराल हो, थायोफिन हो या फ्यूरन हो। और हमने पढ़ा था अल्फा इज मोर रिएक्टिव, अगर अल्फा ज्यादा रिएक्टिव है तो मेरे भाई इधर एसाइलेशन होगा और इधर एसाइलेशन होगा। एंड फाइनली आंसर के लिए हो जाओ तैयार। यार ये दिख रहा है ना आपको, ये आपको मिल गया, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये मिल गया है, दोनों तरफ एसाइलेशन हुआ है, एंड बधाई हो, ये आपका एक्स है। ओके, फीचर वगैरह फाइनली एक्स मिल गया। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये फंडा क्लियर होना चाहिए। एनसीसी के थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर एलिमिनेशन, वो भी कौन सा, डी हेलोजिनेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद फर्दर आप देख सकते हैं इपॉक्साइड विद PCl5, फिर एलिमिनेशन, ओजोनोलिसिस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वी को। देखो ये एच प्लस डेल्टा से रिएक्शन नहीं करेगा, ये कर रहा है, दैट्स व्हाई ये वी हो गया, इट्स अ फैक्ट। ये वी है, ये वी नहीं है, वी का एसिडिक एल्डोल और आखिरी में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने पूरा समझा है, देखा है, सीखा है, और इसी क्रम में आपको एक अगला क्वेश्चन मिल जाएगा और वो क्वेश्चन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ये है, और उसे आप अटेम्प्ट करेंगे, 24 आवर्स का टाइम होगा, और उसके बाद फिर इसी तरीके से उस क्वेश्चन का भी सलूशन आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, लगे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के लिए इतना।